हेलो स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो वर्ब के अदर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है जिसमें हम ट्रांसटिव वर्ब एंड इन ट्रांसटिव वर्ब की स्टडी करेंगे ये दोनों ही वर्ब एक्शन वर्ब कहलाती हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं ट्रांसटिव वर्ब को हिंदी में इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है लेट्स डिफाइन इट

वी हैव वन सेंटेंस हेयर ध्यान से देखिएगा आप लोग पीटर बोरोड द मनी टू हिज फ्रेंड यानी पीटर ने अपने दोस्त को पैसा उधार दिया इस सेंटेंस में बोरोड रेड कलर वर्ड एक ट्रांसटिव वर्ब है लेकिन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यह ट्रांसटिव वर्ब है लेट्स आस्क द क्वेश्चन वॉट डिड पीटर बोरो पीटर ने क्या उधार दिया एंड द आंसर विल बी द मनी इसलिए बोरोड इस ट्रांसटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द मनी होगा यानी जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो तो हमें यही सोल्यूशन ध्यान में रखना है कि वेन इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हु होम और वॉट यानी जब यह हुम who, वॉट के इन क्वेश्चंस का आंसर देगा तो वह ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा So, वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें होने वाले कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर पड़ता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है इसीलिए हिंदी में इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है तो चलिए अब ट्रांसट्रिव वर्ब को कुछ और सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं नाउ वी हैव फर्स्ट वन सेंटेंस माय मदर बॉट डोजन ऑफ केक्स यानी मेरी ने दर्जनों केक खरीदे इस सेंटेंस में रेड कलर्ड वर्ड बॉट एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा और क्वेश्चन पूछे जाने पर कि व्हाट डिड माय मदर बाय आंसर होगा डोजेन्स ऑफ केक्स यानी यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बॉट वर्ब का नाउ वी हैव सेकंड वन सेंटेंस द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड यानी बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे इस सेंटेंस में फिर से रेड कलर वर्ड प्लेइंग एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और क्वेश्चन पूछे जाने पर कि वट वर द चिल्ड्रन प्लेइंग आंसर आएगा क्रिकेट क्रिकेट यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्लेइंग वर्ब का नाउ वी हैव थर्ड वन सेंटेंस शी लेफ्ट द स्टडी ग्रुप यस्टे यानी उसने कल स्टडी ग्रुप छोड़ दिया इस सेंटेंस में फिर से रेड कलर वर्ड लेफ्ट एक ट्रांसटिवर्ब वर्ब है और क्वेश्चन पूछे जाने पर कि वॉट डिड शी लीव आंसर होगा दी स्टडी ग्रुप इसका मतलब है कि दी स्टडी ग्रुप ऑब्जेक्ट कहलाएगा लेफ्ट वर्ब का नाउ वी हैव फोर्थ वन सेंटेंस राहुल कैन राइट अ लेटर इन स्पैनिश लैंग्वेज यानी राहुल स्पैनिश लैंग्वेज में एक पत्र लिख सकता है अब यहां पर मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी कि हु who, Whom What का आंसर आने पर वह आंसर ही वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है इसीलिए इस सेंटेंस में राइट जो कि रेड कलर वर्ड है एक ट्रांसिव वर्ब होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने पर कि व्हाट कैन राहुल राइट आंसर होगा अ लेटर इसलिए यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा राइट वर्ब का आई होप सो स्टूडेंट्स आप सभी ट्रांसटिव वर्ब के इन एग्जांपल्स की हेल्प से सेंटेंसेस में आने वाली ट्रांसटिव वर्ब को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं सो नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ ट्रांसिव वर्ब्स तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसटिव वर्ब में ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो इंक्लूड की जाती हैं जैसे बाय सेंट ईट डू शो सिंक बोरो गिव टेक मेक पे टीच फीड होल्ड पुश वॉच स्टॉप ब्रिंग सिंग कैंसल रिटर्न रीड स्मेल होल्ड एक्सेट्रा यहां पर ये सभी क्रियाएं ट्रांसटिव वर्ब हैं और इनके लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंसेस में यूज नहीं की जा सकती हैं तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब जो कि है इन ट्रांसटिव वर्ब हिंदी में इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है और यह ट्रांसटिव वर्ब की अपोजिट वर्ब होती है लेट्स डिफाइन इट एंड इंट्रांसटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इंट्रांसटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है क्योंकि यह अपने आप में कंप्लीट वर्ब है चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं नाउ वी हैव वन सेंटेंस हेयर द बर्ड्स फ्लाई यानी पक्षी उड़ते हैं इस सेंटेंस में फ्लाई यानी कि उड़ना एक इंट्रांसटिव वर्ब है और इसे किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उड़ना अपने आप में एक कंप्लीट एक्शन है जो किसी रिसीवर पर डिपेंड नहीं करता है आइए एक और सेंटेंस से इसे डीपली समझते हैं दे आर ग्रोविंग स्लोली वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस सेंटेंस में ग्रोविंग यानी कि बढ़ना एक इन वर्ब है सेंटेंस में आया हुआ वर्ड स्लोली एक एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्टिव नाउन एडवर्ब का कार्य होता है किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करना इसलिए यहां पर यह स्लोली वर्ड ग्रोविंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को मॉडिफाई करने पर भी इससे वर्ब की मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी कभी सेंटेंसेस में इंट्रांसटिव वर्ब के साथ कुछ अदर वर्ड्स भी यूज कर लिए जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन ना होकर के एडवर्ब प्रपोजिशन या फिर कोई और वर्ड्स हो सकते हैं सो so एट लास्ट आइए इंट्रांसटिव वर्ब को कुछ और सेंटेंसेस में यूज करके डीपली समझते हैं नंबर वन द बेबी यानी बच्चा सोता है इस सेंटेंस में स्लीप यानी कि सोना अपने आप में एक कंप्लीट एक्शन है जिसके लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसलिए यह इंट्रांसटिव वर्ब है नंबर टू टाइगर्स फाइट वेरी फियर्सली यानी कुछ बाघ जमकर लड़ाई करते हैं इस सेंटेंस में फाइट यानी कि लड़ना भी एक कंप्लीट एक्शन है जो किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा इसलिए यह भी एक इंट्रांसटिव वर्ब है फाइट के बाद आए हुए वर्ड्स वेरी फ्यसली यहां पर फ्रेजल एडवर्ब है नंबर थ्री द सन शाइन्स ब्राइटली यानी सूर्य तेजी से चमकता है इस सेंटेंस में शाइंस यानी कि चमकना भी एक Complete action है जो किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा इसलिए यह भी एक verb है. के के बाद आया हुआ word, brightly, एक adverb होगा. यानी कुत्ता चोर के पीछे दौड़ा. इस सेंटेंस में रैन यानी कि दौड़ना भी एक कंप्लीट एक्शन है जो किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा इसलिए यह भी यहां पर इंट्रांसिव वर्ब कहलाएगा रैन के बाद आने वाला वर्ड आफ्टर एक प्रपोजिशन है सो so, एट लास्ट इन ट्रांसटिव वर्ब की पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ब से who, whom, whose का आंसर नहीं मिलता है तो वह वर्ब इन ट्रांसटिव वर्ब होगी लेकिन यदि आंसर मिल जाता है तो वह वर्ब ट्रांसटिव वर्ब कहलाएगी नाउ We have a list of verbs. तो देखते हैं, कौन सी हैं ये वर्ब्स जैसे अग्री sneeze फॉल जम्प exit है यहाँ पर ये सभी वर्ब्स इंट्रांसटिव वर्ब्स हैं जिनके लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एंड दे कैन स्टैंड अलोन इन दी सेंटेंसेस सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ट्रांसटिव वर्ब एंड इन ट्रांसटिव वर्ब का यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप स्टडिंग अ नाइस टाइम थैंक यू सो मच